नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रज किशोर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। दोस्तों, खजुराहो के नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खजुराहो के सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि विश्वनाथ टेम्पल है। और इससे जुड़ी मैं आपको बताऊँगा जानकारी कि यह क्यों सर्वश्रेष्ठ है और इस मंदिर किस भगवान को समर्पित है। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें आपको कामुक्त मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको अप्सराएं की भी अजीब अजीब प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और यह जो मंदिर आप देख रहे हैं बाहरी से किस प्रकार से आपका आवरण दिख रहा है, और नज़दीक में जाएंगे तो आपको और भी अजीब प्रकार की देखने को मिलेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो साथियों, मंदिर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ यहाँ पे शिलालेख पे जानकारी दी गई है हिंदी और इंग्लिश में। और इसी के बगल में आपको नंदी मंडप देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो इसीलिए शंकर जी और नंदी जी, जहाँ शंकर जी रहते थे वहाँ नंदी जी भी रहते हैं। तो सबसे पहले नंदी मंडप के पास लेकर चलता हूँ और आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो हाथी आपको दिखाई देगा, जो कि अभी टूटी हुई अवस्था में है। इसकी सूंड टूट चुका है। नीचे देख सकते हैं कोई एक इंसान था, जो कि उसका भी यहाँ पे टूटा हुआ आपको चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जूता उतार देता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूता कृपया उतारे। और चलिए ऊपर चलते हैं। विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने आप देखेंगे नंदी महाराज जी को, जो कि यह बाकी नंदी मंदिरों से भिन्न है, क्योंकि आपको पता ही होगा जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ नंदी महाराज जी होते हैं। तो चलिए इसके अंदर कैमरामैन से बोलूँगा आने के लिए और दिखाने के लिए कि यह नंदी महाराज की मूर्ति क्यों भिन्न है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विशाल, जो कि भगवान नंदी महाराज की यहाँ पे मूर्ति है, जो कि बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जो कि 1001 ईस्वी में इस मंदिर को निर्माण किया गया था। उस समय से देखिए अभी भी किस अवस्था में यह बनी हुई है, जैसा कि आप इसकी संरचनाएं देख के पता लगा सकते हैं। यह मंदिर साधारण 20 स्तंभों पर टिका हुआ है, जैसा कि आप यह स्तंभ देख रहे हैं। और यह मंदिर गोल आकृति का चौकोर डिजाइन में बनाया गया है। और इधर से साइड से देख सकते हैं किस प्रकार का नंदी भगवान का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल इसकी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि यह खंडित हो चुकी है, जिसे तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से। और ऊपर देख सकते हैं इसकी नक्काशी बोलूँगा दिखाने के लिए कैमरामैन से कि किस प्रकार से बनाई गई है। और उसके बीच में आपको जो दिख रहा है, जो पत्थर का बनाया गया है, उसके बीच में जो जाली है, उसका क्या मतलब है आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि हवा के लिए या कुछ के लिए बनाया ही गया होगा उसे। तो देख सकते हैं ये सब पत्थरों से बनाया गया है, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर लग के बनाया गया है। तो चलिए अब दिखाते हैं वह अद्भुत विश्वनाथ टेम्पल, जो कि बाकी मंदिरों से भिन्न है। अब हम आपको दिखाते हैं विश्वनाथ टेम्पल, जो कि बाकी खजुराहो के मूर्तियों और टेम्पलों से भिन्न है। और इसके पहले सबसे पहले बाहरी आवरण को बारे में दिखाऊंगा, बाहरी कलाकृतियाँ के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो बाहरी कलाकृतियाँ की गई है वो किस प्रकार सी है और कैसी है, जो कि लक्ष्मण टेम्पल में मैं आपको दिखाया हुआ। अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, यहाँ पर भी एक छोटी सी मूर्ति बनाई गई है, मंदिर बनाई गई है, पता नहीं है किनकी मंदिर है। मैं आपको जैसा कि आपको बता दिया था, पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कर दूँ कि यह चंदेल वंश में जो भी जितने भी राजा हुए वो सब एक एक मंदिरों का निर्माण किए। लगभग 85 मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसमें से यह एक विश्वनाथ टेम्पल भी है। तो चलिए इसके एक एक मूर्ति के बारे में बताता हूँ और सबको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस मंदिर पर आपको चार प्रकार की आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, एक सूक्ष्म, फिर मध्यम, एक बड़ा आकार की देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध से रिलेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चंदेल वंशों से रिलेटेड यहाँ पे देखिए चीज़ें लिखी गई, जैसे कि युद्ध में जो हाथी रहता है गदा लेकर, और ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई का मतलब कि यहाँ पे सीन है। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि नृत्य को दिखाया गया, यहाँ देखिए ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पर झाल बजा रहे हैं, यहाँ पर बाँसुरी बजा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई है। अगर एक एक करके अगर आपको बताऊँगा समझाऊँगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है। और ऊपर देखिए
दोस्तों, यहाँ पे जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है यह ज़्यादातर आपको स्त्रियों की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चंदेल वंश जो स्त्री को थे सबसे उच्च स्तर की प्रदान किए थे, इनकी जो उच्च स्तर का मतलब के महत्व दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो आपको मूर्ति दिखाई दे रहे हैं ये सब मूर्ति आपको अप्सरा के दिखाई दे रही है, जो कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग आवरण में अलग अलग पोज में यहाँ पे दर्शाया गया है। विश्वनाथ टेम्पल में भी कामुक्त मूर्तियाँ हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए, मेन सेंटर में आप देखेंगे, जैसा कि सबसे ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे एक पुरुष है और तीन स्त्रियों के साथ वहाँ पे संभोग कर रहा है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको दो पुरुष और दो स्त्री आपको देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे भी आपको कुछ इस प्रकार से अप्सराएं और कुछ ऐसे नृत्यिका आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कामुक्त मूर्तियों से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ऐसी मूर्तियाँ आपको यहाँ के हर मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी कुछ मंदिरों को छोड़कर। तो जैसा कि आपको एक एक, अगर आप यहाँ आते हैं तो एक एक मूर्ति को स्पष्ट रूप से देखिए। जैसा कि यहाँ पे कैमरा से बोलूँगा, देखिए छोटे आकार की मूर्तियों में भी देखिए कुछ इस प्रकार के यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे बाल लीला है और कुछ ऐसे प्रकार के यहाँ पे चित्र है, जो कि यहाँ पे बनाया गया है, जो नक्काशी की है, जो कि अपने आप में एक भिन्न है। और चलिए इसके अब दूसरे पार्ट में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उधर किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई। जो जो हाईलाइटेड चीज़ें है वही दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। मंदिर के पिछले स्तर में आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो कि बाकी मूर्तियों से भिन्न है। यहाँ पे भी एकल रूपी मूर्ति बनाई गई है, जो कि देख सकते हैं आप, एकल मूर्ति जो अप्सरा की है और स्त्रियों की है। और यहाँ पे आपको साइड में भी आपको कामुक्त मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं छोटी छोटी नक्काशी में यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है, जो कि विश्वनाथ मंदिर, जो कि बाकी मंदिरों से भिन्न है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मण टेम्पल और कंदरिया महादेव, लोग उसमें सबसे ज़्यादा कामुक्त मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ भी आपको कामुक्त मूर्तियाँ आपको दिखा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब मंदिर पत्थरों से बनाया गया, जो कि 10वीं शताब्दी के है। और अभी देखिए अभी भी किस हालात में है, तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर की क्या खासियत है, जो कि अभी बनाना संभव ही है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये पुरुष जो है मतलब कि नग्न अवस्था में यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसी के बगल में स्त्री है। और ये है जो कि चंदेल वंशों का, यह कलाकृतियाँ अद्भुत है, देखने लायक है, जो कि अभी बनाना इसे असंभव ही है। जैसा कि इससे पहले मैं आपको दिखाया था कामुक्त मूर्तियाँ, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे बड़े आकार की मूर्तियाँ में आपको कामुक्त मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप पहले आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, फोकस करेंगे तो आपको प्रेमी प्रेम का युगल जोड़ी है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन स्त्रियाँ और एक पुरुष के साथ संभोग कर रही है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन स्त्री है और एक पुरुष है, और नीचे दो बच्चे हैं शायद, मतलब मेरे अनुमान से। और नीचे देख सकते कुछ इस प्रकार से मूर्ति है। तो दोस्तों ऐसे ही और इसके अगल बगल आपको बाकी अप्सराएं की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो मैं दोस्तों आपको इसका रहस्य बताऊंगा कि ये ऐसा मूर्ति क्यों बनाया गया था, उसके लिए आप हमारा वीडियो कंदरिया महादेव का देखिए, उसमें मैं अच्छी तरह से बताया हूँ। और एक बात और बता दूँ, यह मंदिर कौन बनवाया था, किस लिए बनाया था, तो यह चंदेल वंश के जो भी राजा हुआ करते थे वह एक एक मंदिर को निर्माण किया करते थे। चलिए इसके मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और आपको दिखाते हैं विश्वनाथ मंदिर की वह अद्भुत शिवलिंग। तो चलिए हम विश्वनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जितने भी मंदिर है वो पांच पार्टीशन में बनाया गया जाता है, तो जैसा कि इसके बारे में बता चुका हूँ, वो आप हमारा लक्ष्मण टेम्पल वाला वीडियो देख लीजिए कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ बताऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा आपको। और यहाँ पे जैसा कि आप नक्काशी देख लीजिए, जो कि लक्ष्मण टेम्पल से यहाँ पर भिन्न है नक्काशी, जो कि ये सब पत्थरों पर ही बनाया गया है और निर्मित है, जैसा कि आपको देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आएंगे यहाँ पर अंदर में, तो यहाँ पर भी दो शिलालेख आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरफ और एक इस तरफ, जो कि
हिंदी में नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको इसको पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यह विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी इस पर कुछ जानकारी उल्लेखित की गई है। और दोस्तों जैसा कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसे बोलते हैं अर्धमंडप, जैसा कि मैं लक्ष्मण टेम्पल में बताया था, तो ये भी उसी प्रकार से बनाई गई है इस अर्ध मंडप को। और इसी के जस्ट बगल में जो है वो है पूर्ण मंडप, और पूर्ण मंडप के बाहरी सतह पे भी कुछ आपको कामुक्त मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, उसे भी दिखाऊंगा। उसे दिखाने से पहले सबसे पहले मैं विश्वनाथ भगवान का दर्शन करा देता हूँ, जो कि अंदर पूर्ण मंडप में विराजमान है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो अपना मन को स्थिर करके और शीतल करने के लिए यह चंद्रमा बनाया गया है। इसके बारे में पूरी तरह से बताया हूँ, लक्ष्मण टेम्पल वाला वीडियो नहीं देखे तो उसमें बताया हूँ। तो इस पर आप जैसे ही पैर रखेंगे तो आपका मन एकदम शीतल हो जाएगा चंद्रमा की तरह। और दोस्तों चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो आप देख रहे हैं, जो शिवलिंग भगवान विश्वनाथ की है, जो कि किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है। जैसा कि देख सकते हैं यह शिवलिंग सुबह मंदिर खुलते ही, यानी कि सूर्योदय होते ही यह मंदिर खुल जाता है, और सूर्य अस्त होते ही यह मंदिर बंद हो जाता है। और इस मंदिर में आपको बाहर से लाइट नहीं लगाई गई है, यह मंदिर पूरा घनघोर अंधेरा है। यहाँ पे जो भी लाइट आती है सूर्य के प्रकाश से लाइट आती है, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस मंदिर के बाहरी परिसर में, जो कि बनाया गया है पूर्ण मंडप के अंदर ही, जो कामुक्त मूर्तियाँ उसको दिखाते हैं अच्छे तरीके से और आपको बताते हैं। अभी मंदिर के गर्भगृह में ही अर्ध मंडप के पास में पूर्ण मंडप के बाहरी स्तर को आप देख सकते हैं, जिसपे कलाकृतियाँ बनाई गई है, जो कि इसमें आपको कुछ कामुक्त से जुड़ी हुई मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, जो आपको अभी दिखाऊंगा और बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन मूर्तियों का आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका मन मतलब कि विचलित हो जाएगा, मनमोहित हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से उस समय का बनाया गया मूर्ति अभी भी इस अवस्था में किस प्रकार से दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर युगल छवि के आपको चित्र आपको देखने को मिलेगी, और जो भी मतलब कि चित्र है जो एकल प्रकार की यहाँ पे मूर्ति दिखाई देगी। देखिए मैं यहाँ पे एक यौन से जुड़ी यहाँ पे देखिए ये मूर्ति, आप देखिए कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए, इस मूर्ति को देखिए, पूरी नग्नता को यहाँ पे दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में बताया हूँ कि यह मंदिर क्यों नग्न बनाया गया है, तो उस आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही आपको नक्काशी देखने को मिल जाएगी, ऐसे ही आपको कामुक्त मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। यह पूरा स्ट्रक्चर बनाया जो गया है यह, जो कि 10वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो कि अभी इस हाल में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सोचिए उस समय के ज़माने की बनाई हुई मूर्तियाँ अभी भी बची हुई है, जो कि अभी भी देखने में लग रहा है कि अभी नवनिर्मित है, और इसे देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि यह अभी बोल उठेगी, ऐसी ऐसी यह मूर्ति है और ऐसी ऐसी परिकल्पनाएँ करके बनाई गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।